सुजानपुर में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके चलते प्रत्याशी ने नगर परिषद कार्यालय में नामांकन भरे। हर कोई प्रत्याशी नगर में विकास को लेकर नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 की पुष्पेंद्रा भटनागर ने अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन पत्र भरने के बाद पुष्पेंद्रा भटनागर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें वोट दें व उनका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उनके पति रमन भटनागर ने बहुत काम करवाए हैं, वे भी काम करवाएंगी। मैं वार्ड नंबर 1 की उम्मीदवार पुष्पेंद्रा भटनागर, मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वे मुझे वोट और सपोर्ट करें। मेरे पति रमन भटनागर जी ने पहले भी काम किए हैं और मैं भी काम करूँगी। वहीं इस दौरान रमन भटनागर ने कहा कि उन्होंने पार्षद रहते हुए सड़क का निर्माण करवाया था, लेकिन वे चाहते थे कि वहां पर एक पार्किंग भी बनाई जाए, लेकिन वह नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि यदि अब लोग उनकी पत्नी को पार्षद पद के लिए चुनते हैं तो वे इस पार्किंग का निर्माण करवाने के लिए आवाज उठाएंगी। नंबर 1 करोड़ तो मैंने 2000 में बनाया था, ये वार्ड नंबर 2 का रोड जो अभी बनाया है, और ये रोड बहुत बड़ी बनी है, पर इसमें कुछ कमी रह गई है। वहाँ पर मैंने अब जो सोचा था कि यहाँ पर पार्किंग समस्या सुजानपुर में, तो 3 मंजिल पार्किंग बननी थी वो नहीं बन सकी, परंतु अब जो आगे ये नगर परिषद बन रही है, मेरी धर्मपत्नी नगर परिषद जीत कर जा रही है, मुझे पक्का विश्वास है, और ये इस मांग को जोर शोर से उठाएगी और इसको MLA से भी उठाएंगे अपने इंद्राणा जी से, 3 मंजिल का प्रावधान करेंगे जिससे लोगों की पार्किंग समस्या